वेलकम टू टेक कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग स्किल के बारे में बात करेंगे। क्या स्किल इतनी जरूरी है किसी भी एक जॉब पाने के लिए? इस टोटल चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले जान लेते हैं स्किल डेवलपमेंट होता क्या है। आपको स्किल अगर यदि रखा है तो डिग्निटी, नॉलेज, एबिलिटी, कैरियर को डेवलप करने के लिए स्किल का जरूरत होता है। आज के दिन में कोई भी कंपनी एक जब भी जॉब सिलेक्शन करती है तो क्या खोजती है अपने कैंडिडेट या एम्प्लॉय में, क्या उसको खोजती है? उसको खोजती है इम्प्रूवमेंट। देयर इज अ इम्प्रूवमेंट देयर इनटू हिट्स एम्प्लॉयमेंट। कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, स्टेबिलिटी रहना चाहिए, परसिस्टेंस रहना चाहिए, एडेबिलिटी। ये पांच फैक्टर होता है जो कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय में जनरली देखती है, सिलेक्शन प्रोसीजर में वो खोजा जाता है। क्या आप में ये पांचों एबिलिटी है कोई भी कंपनी में जॉब करने के लिए? अगर नहीं है आप में तो आज से ही अपने स्किल्स पर वर्क करना स्टार्ट करो। अगर स्किल पर डेवलप करोगे तो डेफिनेटली आपको आप कंपनी को नहीं खोजोगे, कंपनी आपको खोज के जॉब देगी। अब बात कर लेता हूँ स्किल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म इकोनॉमी ग्रोथ बाय एनहांसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्पिंग द कंट्री टू बिकम द कॉम्पिटेटिव। ठीक, स्किल डेवलपमेंट से जो भी आप स्किल्स में आप काम करेंगे, जिस भी स्किल्स में आपको कैपेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, उस स्किल्स में आप डेवलप कर सकेंगे। इसमें सिर्फ आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा, एक कंट्री डेवलपमेंट में भी एक अच्छा रोल प्रोवाइड करेगा। जिस कंट्री में एक बेटर स्किल रहता है वो कंट्री एक गुड एम्प्लॉयमेंट फैक्टर को जनरेट करता है। बेसिक से बेसिक कंपनी ऐसा ही बंदे को चूज करना चाहती है जो कि जहाँ पर वो अच्छा स्किल्स और अच्छा लेवल्स प्रोवाइड होता है। तो स्किल्स पर ज्यादा फोकस करिए। स्किल डेवलपमेंट का एजुकेशन फैक्टर पर क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होता है? ये अगर स्किल्स डेवलपमेंट एजुकेशन इज द वन द बेसिक नीड बैकबोन ऑफ द डेवलपिंग द कैरियर। लेकिन अगर स्किल्स उसमें आपके पास अच्छा रहता है तो वो बैकबोन आपको हेल्प करता है फ्यूचर में डेवलपमेंट करने के लिए। अच्छा जॉब सिलेक्शन, जॉब प्रोडक्टिविटी, जॉब क्वालिटी, जॉब फैक्टर प्रोवाइड करने के लिए लगता है, आपको ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। तो स्किल डेवलपमेंट और जनरल एजुकेशन सिस्टम में ये डिफरेंस होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर सिंपल वर्ड में पूछा जाए, जैसे गाड़ी है, गाड़ी का जो टायर्स होता है वो आपको जनरल एजुकेशन सिस्टम से आपको प्रोवाइड किया, लेकिन अगर स्किल्स उसमें रहता है तो मतलब बेस्ट एफोर्ट इंजिन आपका रहेगा या बेस्ट एलिमेंट रहेगा, गाड़ी का अगर स्मूथली आपको रन करेगा। तो यही होता है स्किल डेवलपमेंट और जनरल एजुकेशन में सिमिलरिटीज और फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या लेवल्स होता है स्किल का। स्किल का तीन लेवल्स होता है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। बिगिनर में क्या होता है, हम स्किल्स के पीछे में जैसे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो या जो भी स्टूडेंट्स हो, वो स्किल बिगिनर होता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं, फैक्टर खोजते हैं कि किस में जॉब फैक्टर होता है। लेकिन जब वो जॉब्स मिल जाता है तो आप एक पर्टिकुलर डोमेन पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो उस डोमेन पर आपको जो भी टास्क प्रोवाइड होता है आप उसी पर काम करते हैं। लेकिन किसी बंदे को उसमें इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होता आप उसमें बेस्ट एफोर्ट अपना नहीं दे सकेंगे, तो वो बेस्ट इंटरमीडिएट वर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर यदि आपके इंटरेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको टास्क या जॉब प्रोवाइड होता है तो क्या वो आप अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट उस पर्टिकुलर टास्क में दे सकेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपर्टी ऑफ द स्किल लेवल। व्हाट इज पर्सनल स्किल? पर्सनल स्किल क्या होता है प्रोफेशनल स्किल का? पर्सनल स्किल का मतलब होता है सॉफ्ट स्किल जो कि आपको पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है डाइवर्सिफाइड और वेरीफाइड करने के लिए आपको यूजफुल होता है। लेकिन प्रोफेशनल स्किल में क्या होता है, आप जिस डोमेन पर काम कर रहे हैं, सपोज यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जिस भी लैंग्वेज या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन का आप एक एक्सपर्ट ही बन सकते हैं, जिसमें आपका जो रोल रहेगा वो डाइवर्सिफाइड और आपका यूनिक होगा, तभी आप एक प्रोफेशनल स्किल डेवलपर बेटर हो सकते। नेक्स्ट, कैसे आप अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं? तो स्किल डेवलप करने का बेसिकली कुछ फैक्टर्स होता है। आपको ड्राइविंग सेल्फ करना पड़ेगा, सेल्फ डेवलपमेंट रिक्वायर्ड इंटरनल मोटिवेशन से आप हो सकते हैं। उसके बाद क्या करता है, आइसोलेट द पर्टिकुलर स्किल। आप जिस पर्टिकुलर स्किल्स में आप वर्क कर रहे हैं, अगर उसमें आपको खुद का इंटरेस्ट नहीं है उसको आइसोलेट करना है, क्राफ्ट द प्लान। आपको जो इसमें फैक्टर पर काम करना है, जिसमें आपको सेल्फ इंटरेस्टेड है, जिसमें आप अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकते हो, उसको क्राफ्ट प्लान में आप डाल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर इसमें होता है, आपको कंफर्टेबल करना है डिसकंफर्टेबल लेवल को। आप अपना डिसकंफर्ट लेवल को अगर यदि कंफर्ट लेवल में बना लेते हैं, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। हो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियो से आपको 5% भी अगर डेवलपमेंट होता है तो मुझे लगेगा ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा होगा। तो अगर वीडियो यदि अच्छा लगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।